जय हिंद दोस्तों। भारत का नागरिक होने के नाते हमको भारत की सामान्य जानकारी अवश्य होनी चाहिए। चाहे हम विद्यार्थी हों या नौकरी पेशा इंसान हों या फिर दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्ति ही क्यों ना हों, हमको भारत के बारे में सामान्य जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हमने यहाँ पर भारत दर्शन नामक एक नई श्रृंखला शुरू की है। इस भारत दर्शन के माध्यम से हम सामान्य भूगोल भारत के बारे में समझेंगे कि हमारे भारत का सामान्य भूगोल क्या है, किस तरीके से भारत की भूगोल की संरचना बनी है। इसके बाद में हम लोग दूसरी श्रृंखला में भारत दर्शन के अध्ययन करेंगे कि भारत का इतिहास क्या रहा है, आज वर्तमान स्वरूप इतिहास का क्या है। और इसके बाद में हम लोग भारत की राजनीतिक यात्रा का यहाँ पर अध्ययन करेंगे अगली श्रृंखला में, और कुछ सामान्य विज्ञान के बारे में जानेंगे और हमारा वैज्ञानिक प्रौद्योगिक जो उन्नति हुई है किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में भी हम लोग अगली श्रृंखला में अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से हम भारत के एक नागरिक होने के नाते हमको भारत के बारे में सामान्य समझ रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने भारत दर्शन नामक ये श्रृंखला शुरू की है, ठीक है। तो आज की ये श्रृंखला हमारी जो है भारत दर्शन की सामान्य भूगोल को लेकर है। सामान्य भूगोल की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और हमारे साथ बने रहिए। कुछ अगले चंद मिनट में आप लोग भारत के सामान्य भूगोल के बारे में आपका दृष्टिकोण व्यापक हो जाएगा, आप समझ जाओगे कि भारत की जो बनावट है किस तरीके से हुई है, इसके बारे में आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। इसके पहले हम आपको एक सामान्य आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको ये श्रृंखला अंत तक देखिए, पूरा अगर समझ में आए तो आप एक लाइक तो अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि हमारे जितने भी नए वीडियोस अपलोड हों इस चैनल पे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम लोग भारत के सामान्य भूगोल के बारे में समझने से पहले, जो हमारी भारत की बनावट है, जो आज वर्तमान स्वरूप है भारत का, उसको समझने से पहले हम बैक इतिहास में चलते हैं, अपनी पूरी ब्रह्मांड की, पूरी पृथ्वी की इसके इतिहास में चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग भारत के ही बारे में जानेंगे तो ज़्यादा हम इस पर प्रकाश नहीं डालेंगे, लेकिन इतना तो जान लें कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्रह है, तो इस ग्रह की उत्पत्ति कब हुई थी, तो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, यानी कि 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे इस ग्रह की उत्पत्ति हुई। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई इसी सौरमंडल में। जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य के आज वर्तमान में 8 ग्रह हैं, तो इन ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई थी वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी, जिसमें हमारी पृथ्वी हुई थी। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। अब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई तो आज का जो वर्तमान स्वरूप है हमारी पृथ्वी पर, यानी कि जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, इनका स्वरूप कैसे आया, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं हम लोग। तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, आज से वर्तमान में लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, जो हमारा हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा भूखंड था, जिसका वैज्ञानिकों ने पैंजिया नाम रखा था। क्या नाम रखा था? पैंजिया। और वो दृढ़ भूखंड था और उसके चारों तरफ जो जल बॉडी थी, जो वाटर मास जो था, जल से घिरा हुआ जो क्षेत्र था, उसको पैंथालसा नामक जो है महासागर कहा गया। एक बहुत बड़ा महासागर था जिसको पैंथालसा कहा गया, ठीक है। और बाद में लगभग 13 करोड़ वर्ष पहले, आज से अभी वर्तमान समय के 13 करोड़ वर्ष पहले, चूंकि पैंजिया जो है ये एक एस्थनोस्फीयर नामक एक मंडल है, लगभग हमारे 200-250 किलोमीटर गहराई में पृथ्वी पर अर्धद्रवित पदार्थ पाया जाता है। क्योंकि पृथ्वी के नीचे, क्योंकि सूर्य से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो पृथ्वी के नीचे गहराई में जो है तापमान बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ने के कारण जो पदार्थ है, या जो ऐसे समझ लीजिए जो चट्टानी जो संरचना है या जो खनिज पदार्थ है, वो सब अर्धद्रवित अवस्था में पाए जाते हैं। जिस तरीके से ग्रीस है, ग्रीस के रूप में वो अर्धद्रवित अवस्था में पाया जाता है। तो उसके ऊपर हमारा ये पैंजिया जो है क्या कर रहा था, ये फ्लो कर रहा था, बह रहा था, यानी कि उस पर तैर रहा था। तो तैरने के कारण लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले जो है क्या हुआ कि पैंजिया दो भागों में, क्योंकि जब तैर रहा था, भाई जब हम गाड़ी चलाते हैं, बस या ट्रैक जब चलती है, तो उसमें जब ब्रेक लगता है तो एक जर्क उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? झटका लगता है। तो इस तरीके से पैंजिया में झटका लगता रहा, चलता रहा, क्योंकि घर्षण कर रहा था उसके ऊपर जो है अर्धद्रवित पदार्थ पर। तो घर्षण करने के कारण पैंजिया पहले जो है दो भूखंड में टूट गई। तो सबसे ऊपर वाला जो भूखंड था उसको अंगारा लैंड कहा गया। अंगारा लैंड किसको कहा गया? जो सबसे
ऊपरी भूखंड था या लॉरेशिया भी उसको कहा गया, और जो निचला भूखंड था टूट करके उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। जब दो भागों में आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से दो भागों में टूट गया पैंजिया, तो ऊपरी भाग अंगारा लैंड कहलाया और जो निचला भाग था दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। और चूंकि टूट गया तो बीच में जो है गैप हो गया, बीच में गैप हो गया तो जो पैंथालसा वाला जल था वो इस गैप में आकर भर गया। अब इस गैप में भर गया तो एक सागर बन गया। अब इस सागर को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया टेथीज सागर या फिर यहाँ पर भूसन्नति कहा जाता है भूगोल की भाषा में, तो आप उसको मत समझिए, उसमें जल भर गया तो उसे टेथीज सागर नाम दिया गया। ठीक है, अब जब उत्तर में जो अंगारा लैंड था, जो आज के हमारे जो महाद्वीप हैं उत्तर के, जिसमें उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, और जो है आपका एशिया वाला भाग है कुछ, एशिया तो उत्तर में भी है और आपका जो है कुछ दक्षिण में भी है लगभग थोड़ा बहुत द्वीपीय क्षेत्र उसके, तो इस तरीके से जो उत्तर वाला भाग था जिसमें उत्तरी अमेरिका यानी अंगारा लैंड के हिस्से जो थे उसमें ये सब चिपके हुए थे आपस में, तो जिसमें उत्तरी अमेरिका था, यूरोप, हिमालय है, उसके ऊपर वाला एशिया इसमें शामिल था, उसके नीचे वाला एशिया नहीं शामिल था। तो इस तरीके से अंगारा लैंड में ये भाग शामिल था। और गोंडवाना लैंड की बात करें, जो दक्षिण वाला भूखंड था उसमें जो है दक्षिणी अमेरिका शामिल था, जो आज का वर्तमान का दक्षिणी अमेरिका है, वर्तमान की जो अफ्रीका है वो भी इसी में शामिल था, किसमें, गोंडवाना लैंड में, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था उसी में, और भारत का जो है प्रायद्वीपीय हिस्सा शामिल था, जो मैदान वाला और हिमालय वाला हिस्सा वो इसमें शामिल नहीं था। अभी हम बात करेंगे किस तरीके से हिमालय और मैदान बना। और इसके अलावा मेडागास्कर भी इसी में शामिल था, ऑस्ट्रेलिया भी इसी का हिस्सा था, और इसके अलावा अंटार्कटिका भी इसी का हिस्सा था, जो दक्षिणी महाद्वीप अंटार्कटिका है वो भी इसी का हिस्सा था। तो इस तरीके से ये सब किसमें शामिल थे, जो है अंगारा गोंडवाना लैंड में, दक्षिण वाले द्रण भूखंड में। और इसके बाद में 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है, अब इसमें भी विखंडन होना शुरू हो गया, अंगारा लैंड में भी और गोंडवाना लैंड में। तो जब अंगारा लैंड का विखंडन हुआ तो वो जो इसका उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा था सड़ने लगा, और इसी प्रकार से यूरोप भी अलग हुआ, मतलब उससे उत्तरी अमेरिका से, तो यूरोप और एशिया तो अभी भी जुड़े हुए हैं लेकिन उत्तरी अमेरिका अलग हो गया, और इधर जो है गोंडवाना लैंड जो था वहां से दक्षिणी अमेरिका अलग होने लगा, इस गोंडवाना लैंड से अफ्रीका अलग होने लगा। जब दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों अलग हो गए, उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड से अलग हुआ और दक्षिणी अमेरिका जो है गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, तो बीच में एक जो गैप हुआ उस गैप को भरने के लिए जल उसमें चला गया, तो उससे जो है अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और इसी प्रकार से अफ्रीका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया किससे, अफ्रीका अलग हो गया आपके गोंडवाना लैंड के इस विभाजन से, भाग से, तो अफ्रीका के अलग हो गया, उधर नीचे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप भी अलग हो रहा था, तो अंटार्कटिका महाद्वीप और अफ्रीका भी अलग हो गए गोंडवाना लैंड से, तो बीच के भूभाग को भरने के लिए जो है एक गर्त बन गया, उस गर्त में पैंथालसा का जल आकर के भर गया, तो उसके कारण क्या बन गया, वहां पर हिंद महासागर की उत्पत्ति हो गई, जो आज हमारा हिंदुस्तान के नाम से एक ही महासागर है जिसका क्या नाम है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, जब गोंडवाना लैंड में अंटार्कटिका महाद्वीप अलग हो गया और अफ्रीका महाद्वीप अलग हो गया, तो बीच में जो गर्त बना उस गर्त में जल भर गया पैंथालसा का, तो उससे क्या बन गया, हिंद महासागर। अब देखिए यहाँ पर ये हिंद महासागर की तो उत्पत्ति हो गई, अब इसके बाद में अभी जो है ये गोंडवाना लैंड उत्तर पूरब की तरफ खिसक रहा था, उत्तर पूरब की तरफ टेथीज सागर जो बीच में था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में था, और उत्तर में अंगारा लैंड था और बीच में टेथीज सागर था। अब चूंकि दोनों भूखंड पे नदियां बहती थी, नदियां तो वर्षा हो ही रही थी, तो वर्षा के कारण नदियों का जो है यहाँ पर उदय हुआ था, तो नदियों का जल कहाँ आकर गिर रहा था, टेथीज सागर में, एक गोंडवाना लैंड की नदियां और अंगारा लैंड की नदियां, तो दोनों के कारण जो है नदियां अपने साथ बहुत सारा मलबा जो है काट पीट करके मिट्टी और कंकड़ पत्थर ला करके टेथीज सागर में जमा कर रही थी, तो टेथीज सागर धीरे धीरे उथला हो रहा था, उसकी तली जो है पेंदी क्या हो रही थी, उथली हो रही थी, तो पेंदी की उथली होने के कारण धीरे धीरे जो है मलबा भरता गया, तो वो जो है थोड़ा सा नीचे से जब उथला हुआ और इधर से दबाव भी पड़ रहा था गोंडवाना लैंड का अंगारा लैंड पर दबाव भी पड़ रहा था, तो दबाव पड़ने के कारण उधर उसमें जो है अब एक पर्वत का निर्माण होने लगा, उसी टेथीज सागर में ही जो मलबा था वो मलबा इस तरीके से जो है क्या होने लगा, उसमें मोड़ पड़ने लगा, तो इस तरीके से मोड़दार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई, और उसके नीचे एक गर्त बन गया, माने हिमालय पर्वत जो हमारा शिवालिक है, जो तीसरी श्रृंखला हिमालय पर्वत की, तीन श्रृंखलाएं बनी, महान हिमालय, मध्य हिमालय और जो है आपका शिवालिक, और इसके अलावा जो महान हिमालय के बाहर वाला जो आज तिब्बत वाला क्षेत्र है, जो पूरा क्या है, तिब्बत का पठार है,
तो वो पठार भी विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, क्यों 5000 मीटर तक ऊंचा है, वो 5 किलोमीटर ऊंचा पठार है, तो वो चौरस रह गया ऊपर से। पठार क्या होता है, जो ऊपर से चौरस भाग होता है, उठा हुआ ऊपरी चौरस भाग, उसको पठार कहते हैं, तो वो पठार कहलाया। ठीक है, तो इस तरफ हिमालय बन गया, और इधर जो गर्त बना, गर्त जो बना आपका शिवालिक के नीचे, ये काफी गहरा गर्त था, 2-3 किलोमीटर गहरा गर्त था। अब इसमें भी जो है नदियां उधर से आकर के अपना जल गिरा रही थी, तो इससे मैदान का निर्माण हुआ। लेकिन अभी देखिए एक बात और मैं यहाँ बताता हूँ, इसके पीछे थोड़ा सा जाते हैं, हिमालय उधर बन रहा था, उसके साथ साथ में अभी क्या हो रहा था कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया भी जो है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और मेडागास्कर अब बचे थे, साथ में एक साथ थे, तो ये चल रहे थे। इसको कहा गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा गया। प्लेट जो है एक वो वाला प्लेट नहीं जो आप समझ रहे हो खाना खाने वाला, वो वाला प्लेट नहीं, बल्कि प्लेट क्या होता है, एक दृढ़ भूखंड होता है, प्लेट एक दृढ़ भूखंड होता है जो लगभग 100 किलोमीटर गहरा जो है हमारे स्थल मंडल का जो है भाग क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। और ये प्लेट वही जो है उस पे स्थनोस्फीयर पे तैर रहा है, इसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, तो ये उस पे स्थनोस्फीयर पे तैर रहा है। ठीक है, तो ये तैरते तैरते जब हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो जब उत्तर की तरफ खिसक रहा था, अब इसे यूरेशियन प्लेट जो उत्तर में, जिसको हमने अंगारा लैंड कहा, उसको यूरेशियन प्लेट भी कह सकते हैं, तो उस यूरेशियन, अब चूंकि यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका अलग हो गया था, अंगारा लैंड पूरा कहलाता था, लेकिन अब यूरेशियन प्लेट बता था जिसमें यूरोप और एशिया दोनों अभी सम्मिलित रूप से हैं। तो इस तरीके से जब ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें मेडागास्कर भी सम्मिलित था, ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित था, और ये जब उत्तर की तरफ खिसक रहे थे, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया से ही अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है वो अलग हो गया, मेडागास्कर भी अलग हो गया, तो बीच में जो है झोल उत्पन्न हो गया, झोल मतलब बीच में गर्त उत्पन्न हो गया, और उधर थोड़ा सा ये हुआ कि अवतलन भी हो गया, थोड़ा सा जो भारतीय भूखंड था जब वो अलग हुआ तो उसका थोड़ा सा हिस्सा अवतलित हो गया, तो बीच में जो गर्त बन गया उस गर्त में हिंद महासागर का पानी चला गया, तो उस हिंद महासागर के पानी जाने से जो पूरब में गर्त बना उसको बंगाल की खाड़ी कहा गया, और जो पश्चिम में गर्त बना उसको क्या कहा गया, अरब सागर। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर हम लोग, ये तो हो गया मतलब इसके निर्माण की बात, और उधर हिमालय पर्वत भी बन रहा था धीरे धीरे, तो इस तरीके से हिमालय पर्वत जो बन गया, तो हिमालय पर्वत में जो गर्त बना उस गर्त में नदियां अपना जला करके गिराती रही, नदियां चाहे वो दक्षिण भारत की जो नदियां थी, जो प्रायद्वीपीय नदियां थी, वो भी उस गर्त में अपना जल गिरा रही थी, और हिमालय से निकलने वाली नदियां भी अपना जल उसमें गिरा रही थी गर्त में। तो जो वो गर्त था हिमालय के नीचे, और प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा था, प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के बीच में एक गहरा गर्त बन गया था, तो उस गर्त में नदियां अपना जल गिराती थी, और साथ में अपने साथ क्या लाती थी, मलबा भी लाती थी, तो मलबा से पाट दिया उसको, और आज वहां पर खुदाई, इसीलिए हम लोग समर वगैरह जब लगाते हैं तो उसमें रेत मिट्टी और मोटे जो है पतले पतले कंकड़ निकलते हैं मैदानी क्षेत्र में, तो वहां पर जो है मोटे गर्त, मोटे जो है मिट्टी की सतह का निर्माण हो गया, जिससे आज उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से अगर मोटा मोटी हम देखें तो हमारे भारत को लगभग 4 जो है भौतिक संरचना उसमें पार्ट्स में बांटा जाता है, जिसमें उत्तर में हिमालय है, हिमालय की बात हमने कर ली किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है, और हिमालय से जब आगे नीचे बढ़ेंगे तो उत्तर का विशाल मैदान है जिसका निर्माण कैसे हुआ, इसका भी हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया मतलब अपने सरल भाषा में, और दक्षिण में जो है प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत ये बहुत, इसकी जो चट्टानी संरचना है बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी इस पृथ्वी की है, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही लगभग जो है चट्टानी संरचना बननी शुरू हो गई थी, मतलब अर्कियन युग में, ये भूगोल की भाषा है, नहीं समझिए आप इसको, तो इसकी संरचना हुई इसी में जो है। एक समय ऐसा आया कि दक्षिण भारत में ही बहुत भारी मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो उसके कारण वहाँ पर ज्वालामुखी से जो है जो चट्टानी पदार्थ है बाहर निकला, वो आकर जम गया, तो इस तरीके से कुछ जो है भूरे भूरे मिट्टी का, काली मिट्टी का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से उस पूरे क्षेत्र में आज वहाँ पर कपास की खेती की जाती है, उसी काली मिट्टी वाले क्षेत्र में जो महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है हमारे दक्षिण भारत के संरचना का निर्माण हो गया, जो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, या पठारी क्षेत्र ही पूरा जाना जाता है, पूरा पठार है दक्षिण भारत का, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पूरा पठारी क्षेत्र है। लेकिन इसी में देखिए जब अवतलन हो गया, इधर जो है अरब सागर में, उधर बंगाल की खाड़ी, दोनों में जो है, दोनों में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है कुछ, अब चूंकि अभी मूवमेंट चल रहा, मूवमेंट है अभी लगातार, आज भी मूवमेंट है हमारे जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, जिसमें खाली भारतीय प्लेट अब बचा, ऑस्ट्रेलिया तो अलग हो गया, तो इस, लेकिन उस समय जब मूवमेंट चल रहा था तो उसके कारण वहां पर उत्थान उत्पन्न हुआ, जो
पश्चिमी क्षेत्र में उत्थान हुआ तो उसे पश्चिमी घाट या जिसको आज सह्याद्री पर्वत कहते हैं उसका उत्थान हो गया, और पूरब साइड में जो है आपका बंगाल से लेकर के यानी उड़ीसा से लेकर के और लगभग तमिलनाडु तक जो है एक उत्थान हो गया जिसमें पूर्वी घाट का निर्माण हो गया। पूर्वी घाट एक्चुअली क्या है, ये घाट मतलब यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ जो है पहाड़ी श्रृंखला है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं और पूर्वी घाट को जो पूर्वी पहाड़ी श्रृंखला कहते हैं। तो इस तरीके से मतलब हमारे प्रायद्वीपीय भारत का जो बीच वाला हिस्सा है वो पूरा पठारी है और किनारे किनारे जो है छोटे मतलब ज़्यादा ऊँचे नहीं लेकिन एक श्रृंखला पर्वतों की पाई जाती है। जो है इस संरचना पर बहुत सारी नदियों ने जो है अपना मतलब पूरी विच्छेदित किया इस संरचना को। तो पूरब की तरफ बहुत सारी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा सबसे बड़ी भारत की नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी जो आज है वर्तमान में ये पहले ऐसी नहीं थी। जब हमारा हिमालय बन रहा था तो हिमालय के पार जो है तिब्बत का मैदान जो पठार बना तो उस पठार से एक नदी निकलती थी जिसको उस समय इंडो ब्रह्म नदी कहा जाता था। तो इंडो ब्रह्म नदी कुछ इस तरीके से मतलब बहती थी और वो जो आज गंगा नदी है ये गंगा नदी पूरब की तरफ नहीं बहती थी बल्कि इंडो ब्रह्म नदी भारत में प्रवेश करती थी भारतीय क्षेत्र में और ये जा करके आपका जो है पश्चिम साइड में पंजाब से होते हुए और एक सागर था सिंधु सागर जो अरब सागर का हिस्सा था वो थोड़ा सा विस्तृत था जो आज हमारा गुजरात वाला हिस्सा है पंजाब वाला हिस्सा है और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, तो वहाँ तक एक सागर था सिंधु सागर। तो उस सिंधु सागर में जा करके इंडो ब्रह्म नदी अपना जल गिराती थी और उधर से सिंधु नदी भी निकलती थी तिब्बत के पठार से, तो सिंधु नदी भी अपना जल ला कर गिराती थी, उसी के नाम पर इसको सिंधु सागर कहा गया। तो इस सिंधु सागर में अपना जल गिराती थी लेकिन कुछ समय बाद में मतलब लाखों वर्ष का समय रहा होगा तो कुछ समय बाद में वहां पर क्या हुआ, उत्थान हो गया। जो सिंधु सागर वाला क्षेत्र था वहां पर एक उत्थान हुआ जिसको बोला गया पोटवार पठार। तो उसका उत्थान मतलब ऊपर उठ गया भाग, ऊपर उठ गया भाग तो पोटवार पठार बन गया। और इधर जो है पूरब साइड में जो आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाला कुछ क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक जो है जमीन नीचे धंस गई जिससे एक गैप बन गया यानी कि बीच का हिस्सा एक गर्त बन गया। और उधर आपका पूर्वोत्तर राज्य जो है जिसमें असम वगैरह हैं और अरुणाचल प्रदेश ये सब अलग हो गए, तो इसीलिए एक गैप बन गया, इसको कहा गया मालदा गैप। अब देखिए यहाँ पर पश्चिम साइड में का भाग इस तरीके से उठ गया और पूरब साइड में नीचे भाग दब गया। तो इस तरीके से जो इंडो ब्रह्म नदी थी अब उसने पलटा मारा, अब वो सिंधु सागर में जो जाकर अपना जल गिरा रही थी सिंधु सागर तो उठ गया, सिंधु सागर उठ गया तो उस और वो सिंधु नदी जो थी वो नदियां जो है अपना मतलब ये जो संरचना बनी है इससे पूर्व की है पहले की है, तो नदियां आज भी वो उसी तरीके से निरंतर अपने जल को बहाते हुए और संरचना को काटती रहती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों को काटती रहती हैं। तो इस तरीके से सिंधु सागर जो उठ गया था पोटवार वाला भाग, तो वहाँ से अब जो है जो हमारी गंगा नदी जो आज की वर्तमान नदी है वहाँ पर क्या हुआ, अब इस इंडो ब्रह्म नदी को एक नाम और कहा गया शिवालिक नदी, क्योंकि शिवालिक के सहारे बहती थी इसलिए इसको शिवालिक नदी भी कहा गया। तो इस तरीके से ये इंडो ब्रह्म नदी में जो है इसकी दिशा में एकदम से परिवर्तन हो गया, अब ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगी और पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगी और इसका उद्गम जो है कहाँ हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर से हो गया। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, एक हिमानी है गंगोत्री, तो वहाँ से निकलती है गंगा और यहाँ पर आकर के इस मालदा गैप को भरने लगी पूरे जो है, तो भर भर करके पश्चिम बंगाल और जो है बांग्लादेश वाले पूरे मैदान का निर्माण किया। बांग्लादेश को आप अगर मैप में देखो मानचित्र में तो पूरा पूरा मैदान ही दिखेगा। तो इसका निर्माण किसने किया है, गंगा नदी के जो है लाए गए जो मालदा गैप को भरने से जो है मलबे से इस मैदान का निर्माण हुआ, जैसा कि हमने अग्रगर्त को देखा था जो हमारा उत्तरी भारत का मैदान था, तो उसी तरीके से बांग्लादेश के ही मैदान का निर्माण भी गंगा नदी। और उधर चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी भी आ रही थी जो कि इंडो ब्रह्म के नाम से जानी थी, तो जब गर्त बन गया तो ब्रह्मपुत्र नदी अलग हो गई, टूट गई बीच से, तो वो अब जा करके इसी गर्त को भरने लगी मालदा गैप को। तो इस तरीके से मालदा गैप भर करके पूरा मैदान बन गया और जो हमारा इसीलिए जो प्रायद्वीपीय भाग का जो पठारी हिस्सा था पहले पूरा पूर्वोत्तर राज्य तक फैला हुआ था लेकिन अब ये जब टूट गया गैप बन गया तो वो अलग हो गया, इसीलिए जो मेघालय वाला पठार है वो प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा कहलाता है। मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया पठारी पर्वतीय क्षेत्र है वो सब जो है पठार का हिस्सा दक्षिण भारत के, तो मालदा गैप ने उसको अलग कर दिया। तो इस तरीके से हमारी इस पूरी भारतीय संरचना पे जो है एक नदी बनी, सबसे बड़ी नदी जो गंगा नदी के नाम से जाने की, जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अब नदियों की बात चली है तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ और नदियाँ हमारे भारत में जो हैं जो मुख्य प्रमुख नदियाँ हैं।
सबसे पहले तो हमने गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को देख लिया। अब देखिए गंगा नदी को वैसे थोड़ा सा और समझ लीजिए, जब जहाँ से चलती है वहाँ पर इसको भागीरथी कहते हैं और जहाँ ये खत्म होती है वहाँ पर भी भागीरथी कहते हैं। मतलब ये जब पश्चिम बंगाल में आती है तो इसके दो भाग हो जाते हैं, फरक्का बांध बना हुआ है, फरक्का बैराज से ये जो है एक बांग्लादेश में चली जाती है जिसको वहां पर पद्मा कहते हैं, और दूसरी जो है ये भारत की मतलब पश्चिम बंगाल में ही बांग्लादेश के सहारे ही जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पहले इसको शुरुआत में फरक्का से लेकर के कुछ दूरी तक इसको फिर से इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है और पुनः ये जो है हुगली के नाम से जानी जाती है। तो हुगली जाकर के अपना जल कहाँ गिराती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से ये पूरा बांग्लादेश वाला आप देख लीजिए, बांग्लादेश में जो आपका ये गंगा जा रही पद्मा के नाम से, उधर से आ रही थी ब्रह्मपुत्र नदी जो कि जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर डेल्टा बनाती है, हुगली और पद्मा और ब्रह्मपुत्र सब मिल करके एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, और इसे जो है सुंदरबन का भी डेल्टा कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरबन का भी डेल्टा इसको कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम और अन्य नदियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक अमरकंटक पठारी क्षेत्र है, तो वहाँ से तीन मुख्य नदियाँ निकलती हैं। एक सोन निकलती है जो कि पटना के पास आकर के गंगा से मिल जाती है, उत्तर की तरफ चलती है और पटना के पास आकर गंगा में मिल जाती है। और इसके अलावा वहाँ से एक नदी पूरब की तरफ निकलती है, महानदी। महानदी भी आकर के उड़ीसा में जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और पश्चिम की तरफ जो है एक बड़ी नदी निकलती है पश्चिम की, नर्मदा नदी, अमरकंटक से निकलती है और ये आकर के ये चूंकि भ्रंश में बहती है, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, और चूंकि ये पर्वत ऐसे हैं चट्टानी संरचना है, यहाँ पर हमने बताया था कि जो है लावा का उत्थान हुआ था, जब लावा का उद्भेदन हुआ था यानी जब ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था तो उसके बीच से जो है बहती है नदी। तो यहाँ पर चूंकि चट्टानी संरचना कठोर है, मजबूत है, तो यहाँ पर मलबा ज़्यादा नहीं जाता है, इसीलिए ये नदी जो है नर्मदा नदी भ्रंश के बीच से होकर बहती है और जाकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। और यहाँ पर जो है ज़्यादा मिट्टी और ज़्यादा जो है मलबा नहीं होता है तो जमा नहीं कर पाती है अपने मुहाने पर, तो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा पूरब की सारी नदियाँ भारत की डेल्टा बनाती हैं, पश्चिम की सारी नदियाँ ज्वारनदमुख बनाती हैं। ज्वारनदमुख मतलब जो अपना डेल्टा नहीं बनाती हैं, सीधे जाकर जल में उसमें अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। तो इस तरीके से, और इसके दक्षिण में एक मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है ताप्ती। ताप्ती नदी भी जो है ब्रंश से होकर बहती है, क्योंकि उत्तर में सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रृंखला ऐसी श्रृंखला ऐसा श्रृंखला है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करती है। फिर ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा और दक्षिण में अजंता श्रृंखला है, तो बीच से होकर के वो बहती है सतपुड़ा अजंता के, तो ये भी भ्रंश से होकर बहती है। ये भी जो है चट्टानी संरचना से बहती है, तो इसके पास भी मलबा ज़्यादा नहीं, ये भी भ्रंश से बहते हुए जा करके सीधे अपना जल समुद्र में गिरा देती है। थोड़ा बहुत मलबा गिराती भी है तो वहाँ पर ज्वार वगैरह आते हैं और वो मलबा को अंदर समुद्र में लेते चले जाते हैं, तो इसीलिए इसको ज्वारनदमुख कहते हैं। और यहीं पर एक गोदावरी नदी निकलती है जो है महाराष्ट्र में, गोदावरी नासिक के पास से, तो गोदावरी नदी निकलती है और गोदावरी नदी आकर के जो है अपना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और उसके नीचे अगर आएंगे तो एक कृष्णा नदी महत्वपूर्ण है, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और उसके नीचे एक कावेरी नदी है, वो भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और पश्चिम बंगाल की बहुत सारी नदियाँ हैं जैसे भरत पूजा है और इसी प्रकार से बहुत सारी और नदियाँ हैं। और एक नदी अगर राजस्थान की बात करें, माही जो राजस्थान में गुजरात में आती है बहती है, और एक लूनी नदी है राजस्थान में जो जो है उसमें आकर के वहाँ की जो रेत है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थल है, उसमें अपना जल जो है समा देती है, सूख जाता है, तो वो समुद्र में नहीं पहुँच पाती है, बीच में ही सूख जाती है। तो इस तरीके से, और अगर यहाँ पर नदियों की बात होगी तो अब अगर हम मानसून की बात करें, यानी भारत के जो वर्षा का सिस्टम है, भारतीय सामान्य भूगोल में हम वर्षा को अगर समझें तो भारत में लगभग चार महीनों में मानसून आता है, वर्षा चार महीनों में होता है लगभग, जो है हमारा मध्य जून से शुरू हो जाता है, तो जून हो गया, जुलाई, अगस्त और मध्य सितंबर तक वर्षा होती है, लगभग 90% से अधिक वर्षा इन्हीं महीनों में हो जाती है चार महीनों में। तो इस तरीके से अब मानसून हमारा कैसे चलता है, देखो मानसून हमारा मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, मानसून जो कि हमने यहाँ पर देखा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दो सागर बन गए और नीचे जो है हिंद महासागर है।
तो यहाँ पर हवाएं क्या होता है, जब गर्मी का मौसम होता है तो सूर्य हमारा जो है हमारे भारत वाले क्षेत्र पे चमकता है, और सूर्य अब हमारे पानी का जो स्वभाव होता है जल्दी ना गर्म होता है ना ही जल्दी वो ठंडा होता है, लेकिन जो चट्टानी संरचना है वो जल्दी गर्म हो जाती है, यानी भूमि जल्दी गर्म हो जाती है जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो सूर्य जब उत्तर में चमकता है भारत के ऊपर, तो पानी चूंकि धीरे धीरे गर्म हो रहा था, अब पानी जब गर्म हो रहा था तो अब ये चूंकि सूर्य उत्तर में आ गया है, और सूर्य उत्तर में आ गया तो हमारे जो है भारत वाला हिस्सा है वहाँ पर तेजी से गर्म हो जाता है, और समुद्र इधर धीरे धीरे अभी गर्म है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो है हाई टेम्परेचर रहता है भारत के मुख्य भूमि पर, और हाई टेम्परेचर जब उच्च तापमान होगा तो वहाँ पर हवाएं हल्की हो जाएंगी, हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं तो हवाओं का दाब कम हो जाता है, तो क्षेत्र शून्य हो जाता है, वहाँ पर हवाओं से न्यून हो जाता है, तो उसको भरने के लिए अब समुद्र में चूंकि दबाव ज़्यादा है वहाँ पर अपेक्षाकृत, चूंकि वो इतना जो है अभी सूर्य वहाँ से उत्तर की तरफ कर्क रेखा की तरफ आ गया। हाँ, कर्क रेखा की अगर बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके लिए हमने फार्मूला दिया है मित्र पर गमछा झार। आप देख लीजिए मित्र पर गमछा झार का मतलब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, हमने इस पर डिस्प्ले कर दिया है, देख लीजिए आसानी से। तो इस तरीके से जो है ये कर्क रेखा के आसपास इस समय चमकता है सूर्य, तो समुद्र की अपेक्षा हमारा जो मुख्य भूमि है वो अधिक गर्म रहता है, तो वहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर के कारण प्रेशर वहाँ पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से तेजी से हवाएं चलती हैं भारत की तरफ मुख्य भूमि की तरफ, तो यानी कि दो शाखाएं चलती हैं मानसून की, एक अरब सागर वाली और एक बंगाल की खाड़ी वाली, और ये चलते हुए चूंकि उत्तर में हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत से टकरा कर अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये मानसून चली जाती चाइना की तरफ, लेकिन चूंकि हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत इनको रोक लेते हैं मानसून को, और उधर जो है पूर्वोत्तर में वर्षा कराती मेघालय जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है, सबसे ज्यादा वर्षा वहाँ क्यों होती है, क्योंकि वहाँ गारो खासी और जयंतिया तीन पहाड़ियाँ, तीनों पहाड़ियों से टकरा के खूब वर्षा करती हैं, और वहाँ से हवाएं फिर मुड़ जाती हैं पश्चिम की तरफ पहले जाती हैं, पश्चिम बंगाल में वर्षा कराती, फिर बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर इस तरीके से दिल्ली होते हुए पंजाब निकल जाती हैं। तो धीरे धीरे चूंकि जो है जमीन भी हमारी पश्चिम की तरफ उठती चली जाती है, देखा नदियां सब पूरब की तरफ आकर अपना जल गिराती ज्यादातर, तो पूरब पश्चिम का हिस्सा उठा हुआ है, और जो है यहाँ से नदी जो है हिमालय के सहारे वो नदी कह रहे हैं हवाएं हिमालय के सहारे सहारे चलती हैं, तो जब ज़्यादा दूरी तय करेंगी तो ये अपने जो नमी है उसको गिराती जाएंगी रास्ते में, हल्का करती जाएंगी वर्षा के माध्यम से, तो इसलिए पश्चिम में पंजाब की तरफ जाओगे तो वहाँ कम वर्षा होती है, राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, वहाँ पर रेगिस्तानी हिस्सा बन गया। एक कारण और है, बंगाल अरब सागर की जो शाखा चलती है वो अरब सागर की शाखा ज़्यादातर पूर्वी पश्चिमी घाट पर वर्षा करा देती है, और पश्चिमी घाट पर वर्षा कराती है, एक शाखा जो है चली जाती है गुजरात होकर के राजस्थान की तरफ। अब राजस्थान में एक अरावली पर्वत है जो कि दक्षिण से लगभग उत्तर की दिशा में फैली हुई है, तो अब हवा वहाँ नहीं टकराएगी, क्योंकि हवा क्या है उस पर्वत के सहारे, अरावली पर्वत के सहारे आगे निकल जाएगी, वो जम्मू पंजाब होते हुए जो है वहाँ पर हल्की फुल्का वर्षा कराएगी, तो इस तरीके से वो जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो रेगिस्तानी रह जाता है, वहाँ वर्षा नहीं होती इसलिए उसका भाग रेगिस्तानी रह जाता है। तो इस तरीके से हमने, और इसके अलावा अब बात करें अगर मानसून, ये तो मानसून चूंकि समुद्र से आ रहा है इसलिए वर्षा कराती है, लेकिन ठंडियों में देखा होगा आपने थोड़ी बहुत वर्षा होती है। अब क्या होता है कि जो है अक्टूबर के जो है महीने से लगभग मानसून भारत के मुख्य भूमि से लौटने लगता है। अब लौटता है तो जब मुख्य भूमि से लौटेगा तो वहाँ नमी नहीं है, सागर नहीं है, तो वो हवाएं सूखी होती हैं इसलिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहीं झील तालाब मिल गया रास्ते में, थोड़ा बहुत नमी ले लेती हैं, तो हल्की फुल्की वर्षा कहीं कहीं हो जाती है ठंडियों में, आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में। तो ये, और चूंकि जब कुछ हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी से होकर चलती हैं, फिर ये चोंच सा निकला हुआ आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा यहाँ से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में टकरा करके थोड़ा बहुत वर्षा कर देती हैं, तो इसलिए ठंडी में वर्षा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में हो जाती है, और उधर पंजाब में भी देखा, जम्मू कश्मीर भी नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है, तो वो जो है वहाँ से आती हैं हवाएं भूमध्य सागर से, वहाँ से चक्रवात के साथ आती हैं और वहाँ वर्षा करा देती हैं। तो इस तरीके से कुछ मौसम जो है हमने देखा यहाँ पर मानसून के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारा जो आज का जो राजनीतिक सिस्टम है, जो राज्यों का जो यहाँ पर सिस्टम है वो किस तरीके से है, तो इसको भी थोड़ा सा संक्षेप में हम समझ लेते हैं। सामान्य भूगोल के अंतर्गत जो आज के वर्तमान राज्य हैं, आज के समय में हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनको हम समझते हैं, इनका इतिहास थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। अगर आपको इसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, अगर राज्यों के बारे में पूरी इतिहास जानना है तो कमेंट करके आप लिखिए, हम इसको एक अलग से वीडियो बनाएंगे किस तरीके से हमारे राज्य निर्मित हुए हैं।
तो लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा फोकस डालेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो हमारे देश आज़ाद हो गए उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है देश में 27 राज्य थे। अंग्रेज बना गए थे जो है व्यवस्था इस तरीके से, लेकिन बाद में संविधान बन गया तो उसमें जो है भारत को 27 राज्यों में जो चार कैटेगरी में बांटा गया था, ए बी सी डी, चार राज्यों में, चार कैटेगरी में ये 27 राज्यों को बांटा गया था। लेकिन चूंकि उस समय भारत जो है अभी शासन व्यवस्था को संचालित करने में ज़्यादा यहाँ के लोग परिपक्व नहीं थे, तो इस तरीके से राज्य को चलाने में दिक्कत सी हो रही थी। तो फिर यहाँ पर एक राज्यों को अब ज़्यादा राज्य हो गए थे तो उन पर शासन करना भी जो है थोड़ा समस्या हो रही थी। तो दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। अब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया तो इसके आधार पर जो है 1 नवंबर 1956 को भारत में द्विस्तरीय राज्य प्रणाली अपनाई गई। द्विस्तरीय मतलब एक जिस पर केंद्र मतलब एक राज्य को अपनी सरकार होगी और एक ऐसे छोटे कुछ क्षेत्र होंगे जिस पर केंद्र जो है अपना शासन संचालित करेगी। तो इस तरीके से 1 मई 1960 को भाषाई आधार पर भारत में 14 बड़े राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जिसको यूनियन टेरिटरीज कहते हैं ये बने। 6 यानी 14 राज्य थे उस समय और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। फिर बाद में धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता रहा और 2000 तक भारत में जो है राज्यों की संख्या 28 हो गई और जो यूनियन टेरिटरीज थे यानी केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या 7 हो गई। तो इस तरीके से 28 राज्य बन गए। लेकिन 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो ये 29वां राज्य बन गया। 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन देखिए अभी जो है 2019 में भाजपा सरकार ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया वहाँ की और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उससे छीन करके उसको केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इस तरीके से 31 अक्टूबर 2019 को 2 और केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अभी जो हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 थी, 2 बढ़ गए तो 9 हो गए। लेकिन इधर सरकार ने जो है 26 जनवरी 2020 को क्या किया कि जो दादर नगर हवेली और दमन दीव जो अलग दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे इनको दोनों को मर्ज कर दिया। कब? 26 जनवरी 2020 को। तो इस तरीके से जब ये मर्ज हो गया तो आज वर्तमान में 8 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आज की जो व्यवस्था है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने सामान्य भूगोल के बारे में जानकारी ली। अब देखिए आप लोगों को अगर ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसको दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको सामान्य इतिहास, भारत के सामान्य इतिहास के बारे में समझना है कि नहीं समझना है। अगर समझना है तो कमेंट में लिखिए ये समझना है हमको भारत के इतिहास के बारे में, तो हम अगली श्रृंखला जल्द बहुत शीघ्र ही जो है भारत दर्शन के तहत भारतीय इतिहास के लिए कराएंगे जिसमें हम जो है अपनी हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और आज मतलब वर्तमान समय जो अंग्रेजों का 1947 के समय तक का भारत था बहुत ब्रीफ में समझेंगे उसको भी, जिससे कि हमको उसकी समझ भी आसानी से आ सके। तो इसी के साथ आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और स्वस्थ रहिए, यही हमारी आप कामना है। जय हिंद, जय भारत।